गाइज आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ BRM के न्यू सीजन के बारे में। फिलहाल हमारे गेम में सीजन 38 चल रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर BRM का आप लोगों को न्यू सीजन देखने को मिल जाएगा सीजन 39। और गाइज इस न्यू रैंक सीजन पे आप लोगों को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब भी हमारे गेम के अंदर कोई भी नया सीजन आता है हमें बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इस बार भी आप लोगों को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसका फुल रिव्यू मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। और गाइज साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जैक्टली डेट और टाइम के बारे में कि भाई आप लोग कब तक देखने को मिलेगा और इसका एग्जैक्टली टाइमिंग क्या होगा, ठीक है? तब आप लोग आराम से रैंक पोस्ट कर सकते हो और आपका जो रैंक है वो माइनस किया जाएगा, कितना माइनस होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आज का, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना। चलो यार करते हैं फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में। इसके अंदर आप लोगों को 100+ अलग अलग गेम्स देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को फ्री फायर मैक्स भी देखने को मिलेगा, तो कोई भी गेम खेलो उसके बदले आप लोगों को पैसे मिलेंगे। साथ साथ यहां पर आप लोगों को वर्ल्ड वार देखने को मिलता है। वर्ल्ड वार के अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि अगर आप लोग 5-10 भी लगाओगे काफी सारे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि मैंने अपना टीम एक चूज कर लिया और भाई यहां पर हमारा जो टीम है वो विन कर चुका है, मुझे पैसे मिल भी चुके हैं। तो इसके अंदर गेम्स खेलने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को टीम को पिक करना है और भाई आप लोगों को फ्री के पैसे मिल जाएंगे। और जो भी पैसे आप लोग कमाओगे उसको आप लोग इंस्टेंट विड्रो कर सकते हो UPI पेटीएम के अंदर। यहां पर मैंने 500 रुपीज विड्रो किया और ये देखो इंस्टेंटली मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आ भी चुके हैं। अगर आप लोग चाहो तो विंजो स्टोर के अंदर जाने के बाद फ्री फायर मैक्स के डायमंड भी टॉप अप कर सकते हो डायरेक्टली UID के थ्रू। और अगर आप लोग चाहो तो यहां से रिडीम कोड भी बना सकते हो, जो कि काफी आसान है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर आप लोगों को MS धोनी सर से मिलने का मौका दिया जा रहा है। यहां पर आप लोगों को जितने भी कार्ड्स मिल रहे हैं ना, सारे कार्ड्स को आप लोगों को अनलॉक करके कलेक्ट करना है और ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो यहां पर जितने भी कार्ड्स अभी लॉक पड़े हुए उन सभी कार्ड्स पे आप लोग क्लिक करना है, स्पिन करना है, कार्ड को कलेक्ट करना है। अगर आप लोगों से कुछ कार्ड्स कलेक्ट नहीं हो रहे तो चाहो तो अपने दोस्त से मांग भी सकते हो या फिर उसे ट्रांसफर भी कर सकते हो। जस्ट यहां पर आप लोग कंफर्म करना है और गाइस उसका मोबाइल नंबर डाल देना और सेंड कर देना, उसके ऊपर कार्ड चला जाएगा। और सारे कार्ड्स कलेक्ट करने के बाद आप लोग MS धोनी सर से मिल सकते हो, तो भाई इससे बढ़िया मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। जाओ जल्दी से विंजो को डाउनलोड करो, लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप लोग अभी डाउनलोड करोगे तो आप लोग को 550 रुपए इंस्टेंट मिलने वाले हैं, तो डाउनलोड करो। चलो भाई ओके सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं मई मंथ के बोया पास के बारे में। गाइस कल है महीने का 1 तारीख, मतलब कल 1 मई को आप लोग को हमारे गेम में एक नया बोया पास देखने को मिलने वाला है, जिसका पोस्टर निकल कर आ चुका है। अभी आप लोग देख सकते हो, इसका नाम है पिक्सल रियलिटी। और गाइस इसके अंदर आप लोग को 2 बंडल्स मिलेंगे, वो तो आप लोग को हर बोया पास के अंदर मिलता है। और गाइस इसके अंदर आप लोग को इमोट मिलने वाला है, गन का स्किन मिलेगा और भी काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। चलो मैं आप लोग को फुल बोया पास का रिव्यू करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो, ये हमारा मई मंथ का बोया पास है, जो कि आप लोग को आज रात के 12 बजे ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है? इस बुया पास को अनलॉक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ये वाला फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा, जो कि यार ठीक ठाक सा लग रहा है। आप लोग पूरा ओवरऑल रिव्यू देख सकते हो, आप लोगों को ये वाला फीमेल का बंडल कैसा लगा कमेंट के अंदर बता सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला फीमेल का बंडल मिल जाएगा और उसके बाद आप लोगों को VSK 98 वाला जो स्नाइपर है इसका आप लोगों को थीम गन का स्किन मिलने वाला है। उसके बाद गाइस आप लोगों को इमोट स्लॉट्स देखने को मिल जाएगा, गोल्ड प्रोफाइल बैच मिलेगा बुया पास का। और उसके बाद गाइस आप लोग कुछ और एनिमेशंस है और उसके बाद गाइस आप लोगों को मिलने वाला है एक पैरासूट का स्किन, जो कि थीम पैरासूट का स्किन है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक अवतार मिलेगा जो कि फ्री पास पे ही मिलने वाला है। और उसके बाद आप लोगों को एक जीप का स्किन देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद गाइस आप लोगों को एक लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलता है, जो कि यार एक वीडियो गेम के टाइप का बनाया गया है, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये वाला आप लोगों को लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप लोगों को एक ग्रेनेड का स्किन मिलने वाला है। वैसे गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, ये पूरे का पूरा जो बुया पास है ना, किसी गेम के थीम पे बनाया गया है, तो आप लोग देख लो वैसा ही एनिमेशन आ रहा है। तो ये वाला आप लोग ग्रेनेड का स्किन मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर गाइस आप लोगों को मिलने वाला है एक VSK 98 का जो गन स्किन है, ये आप लोगों को परमानेंट यहां से मिल जाएगा, ठीक है? और गाइस उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कुछ मैजिक के फ्रेगमेंट्स। और गाइस अब हम लोग और आगे चलते हैं, यहां पर आप लोगों को मिलने वाला है एक बैट का स्किन, जो कि यार थीम बैट का स्किन है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा थीम बैट का स्किन। अब गाइस हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर आप लोगों को मिलने वाला है एक कैप, जो कि आप लोगों को फ्री पास पे मिल जाएगा बोया पास। अगर आप लोग नहीं भी अनलॉक करोगे ना, तो फ्री पास पे आप लोगों को ये वाला कैप मिल जाएगा, जो कि यार ठीक ठाक सा लग रहा है, उतना कुछ खास नहीं है लेकिन हां अच्छा लग रहा है। उसके बाद गाइस आप लोगों को मिलने वाला है एक बैकपैक का स्किन, जो कि यार लेवल 3 पे कुछ स्टाफ का, लेवल 2 पे कुछ स्टाफ का और लेवल 1 पे कुछ स्टाफ का दिखने वाला है, ठीक है? तो ये वाला आप लोगों को बैकपैक का स्किन देखने को मिल जाएगा। और गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर आप लोगों को मिलने वाला है एक सरबोट का स्किन, जो कि आप लोगों को फ्री पास पे बिल्कुल ही फ्री का मिलने वाला है। इसके लिए आप लोगों को बुया पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोगों को फ्री पास पे मिल जाएगा। अब गाइस हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर आप लोग कुछ वाउचर्स मिलने वाले। और गाइस 90 लेवल कंप्लीट करने के बाद गाइस आप लोगों को ये वाला इमोट देखने को मिलेगा, जो कि यार काफी यूनिक बनाया गया है। ये वाला इमोट आप लोगों को इसी बुया पास के अंदर मिलने वाला है, तो काफी मस्त सा इमोट है। आप लोग देखो घोड़े के ऊपर बैठ कर आते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये वाला इमोट आप लोग इस बुया पास में 90 लेवल कंप्लीट
कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस 100 लेवल कंप्लीट करने के बाद यहां पर आप लोग को ये वाला मेल का बंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेल का बंडल भी आप लोग ओवरऑल पूरा फुल रिव्यू करके देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। इसका हेयर मुझे काफी अच्छा लगा, ब्रेक डांसर टाइप का बनाया गया है तो हेयर काफी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग ओवरऑल बंडल देख सकते हो, ठीक है। यही था नेक्स्ट बुया पास का फुल रिव्यू, जो कि आप लोग को आज रात के 12 बजे ही मे मंथ का देखने को मिल जाएगा। और गाइस मैंने आप लोग को फुल रिव्यू करके दिखा दिया, बाकी आप लोग को पूरा बुया पास कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। अब गाइस हम लोग बात करते हैं BRN के न्यू सीजन के बारे में। तो गाइस फिलहाल हमारे गेम में सीजन 38 चल रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इसका न्यू सीजन आएगा। एग्जैक्टली अगर डेट की बात करें तो कल 1 मई को ही इसका न्यू सीजन आने वाला है। बात करें एग्जैक्टली टाइम की, तो गाइस कल आप लोग को दोपहर के 2:30 बजे इसका न्यू रैंक सीजन आ जाएगा। उससे पहले हमारा जो गेम है वो क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग BRN को नहीं खेल पाओगे। ऐसा तो जनरली यार वो लोग कभी कभी 12 बजे ही बंद कर देते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे वो लोग 2 बजे बंद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच आप लोग BRN गेम को नहीं खेल पाओगे। उसके बाद गाइस 2:30 बजे आप लोग को BRN का न्यू सीजन देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप लोग धड़ाधड़ अपना जो रैंक है वो पुश कर सकते हो, ठीक है। तो न्यू सीजन जो है वो आप लोग को दोपहर के 2:30 बजे कल 1 मई को देखने को मिल जाएगा। अब गाइस हम लोग बात करते हैं इसके रिवॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस इस बार न्यू रैंक सीजन पे सबसे पहले आप लोग को मिलने वाला है ये वाला टॉप, जो कि आप लोग को हीरोइक कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल ही फ्री का मिल जाएगा। आप लोग ओवरऑल पूरा फुल रिव्यू देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। ये वाला टॉप आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में हीरोइक जाने पर मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस आप लोग को मिलने वाला है VSK94 का एक वेपन का स्किन, जिसके एट्रीब्यूट्स आप लोग साइड में देख पा रहे हो, काफी नॉर्मल्स है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये वाला आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग को एक थीम परांग का स्किन मिलने वाला है, जो कि यार ठीक ठाक सा लग रहा है, फ्री का मिल रहा है, तो कलेक्शन के लिए आप लोग बिल्कुल ही फ्री का ले लेना। और उसके बाद गाइस आप लोग को एक लेजेंडरी टाइप का, उतना भी लेजेंडरी नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन डाला गया है, तो ये वाला आप लोग को लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग को न्यू रैंक सीजन पे बिल्कुल ही फ्री का मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को अवतार बैनर मिलेगा, हीरोइक का, मास्टर का, ग्रैंड मास्टर का, तो भाई ये सारे अवतार बैनर है जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यही थे रिवॉर्ड जो कि मैंने आप लोग को फुल रिव्यू करके दिखा दिया। और गाइस साथ ही साथ रैंक 2024 के अंदर भी आप लोग को हीरोइक जाने के बाद रिवॉर्ड्स मिलने वाले, लेकिन फिलहाल गाइस आप लोगों ने 4 बार हीरोइक तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर 4 बार हीरोइक अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग 4 बार हीरोइक कंप्लीट कर लो। जैसे कि अगर आप लोगों ने पिछले सीजन हीरोइक कंप्लीट किया होगा, जैसे कि मैंने मास्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हीरोइक के बाद आप लोग कितना भी मतलब ग्रैंड मास्टर चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों मिनिमम आपका जो रैंक है वो हीरोइक होना चाहिए, ठीक है। मेरा जो यहाँ पर हीरोइक काउंट है वो 4 कंप्लीट हो चुका है। होप सो यार आप लोग अभी 4 कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप लोगों ने हीरोइक अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो हीरोइक कंप्लीट कर लो। और गाइस अभी जो न्यू रैंक जन आ रहा है BRN के अंदर, उसमें गाइस आप लोग को हीरोइक टच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका 5 हीरोइक काउंट कंप्लीट हो जाएगा। और जो CS का न्यू रैंक जन आने वाला है, जैसे कि CS रैंक का न्यू सीजन आप लोग को 1 जून को देखने को मिलने वाला है। जैसे ही 1 जून को नया रैंक जन आ जाता है CS रैंक के अंदर, तो उसके अंदर भी आप लोग को कम से कम हीरोइक जाना है। जैसे ही आप लोग हीरोइक जाओगे आपका यहाँ पर 6 काउंट हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आप लोग को फाइनली बिल्कुल ही फ्री में ये वाला UMP का स्किन मिलने वाला है। गाइस देखो ये ना MP5 का टाइप का लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये MP5 है तो आप UMP क्यों बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप लोग नीचे में साइड में इसका नाम भी देख सकते हो, इसका नाम है UMP, मतलब ये एक UMP का स्किन है जो कि MP5 के टाइप का बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को मिल जाएगा, इसके अंदर डबल रेंज है, सिंगल डैमेज है, तो काफी अच्छा है, लेजेंडरी स्किन है, ये आप लोग को बिल्कुल ही फ्री का मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों ने 4 बार कंप्लीट किया होगा तो आप लोग यहाँ पर से पैरासूट का स्किन मिल चुका होगा, मैंने अभी क्लेम किया, आप लोग भी क्लेम कर लेना, ठीक है। ये तो रिवॉर्ड्स की बात हो गई। अब गाइस हम लोग बात करते हैं चेंजेस के बारे में। तो अभी आप लोग पोस्टर देख सकते हो, ये न्यू BRN का सीजन 39 है, जिसके अंदर आप लोग को सबसे पहले प्लाज्मा एक्स देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर जब भी रैंक पुश करने जाते हो, मतलब मैप के अंदर उतरते हो, तो आप लोग को काफी सारे गन्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें गाइस प्लाज्मा एक्स को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, मतलब कहीं कहीं पे आप लोग को मैप के अंदर प्लाज्मा एक्स देखने को मिलेगा। और इस वेपन के अंदर ना कोई भी एमओ वगैरह नहीं लगता है, इसको आप लोग चार्ज करके यूज कर सकते हो। और प्लाज्मा एक्स ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक डैमेज देता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार प्लाज्मा एक्स को ट्राई करना न्यू अपडेट के बाद, मतलब न्यू रैंक आने के बाद आप लोग को BRN के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस साथ साथ BRN का जो ग्रैंड मास्टर का लोगो है ना, वो कुछ इस टाइप का कर दिया है, आप लोग को पता ही होगा। तो ऐसा आप लोग को BRN का न्यू सीजन का यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप लोग को ये वाला फ्रीज फ्लैश और ये वाला शूज देखने को मिल जाएगा BRN के अंदर भी। और गाइस आप लोग को साइबर मशरूम भी देखने को मिलने वाला है। आप लोग को पता होगा काफी पहले साइबर मशरूम आया था हमारे गेम के अंदर, तो वो वाला आप लोग को BRN के अंदर दोबारा से देखने को मिलने वाला है न्यू सीजन पे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही मस्त हो गया यार। अगर आप लोगों को दौड़ना होता है तो उस पर आप लोग मार के फोड़ देते हो, या फिर अगर आप लोग को हिल करना होता है तो उस पर मार के फोड़ देते हो, आपका HP बढ़ जाता है। आप लोग को याद ही होगा साइबर मशरूम के बारे में, किस किस को याद है कमेंट के अंदर बताना। तो साइबर मशरूम फाइनली रिटर्न आने वाला है, ठीक है। तो इस न्यू रैंक सीजन के अंदर इतने सारे चेंजेस होने वाले थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। अब गाइस हम लोग बात करते हैं रैंक माइनस के बारे में। आपका जितना भी रैंक होगा वो फाइनली माइनस कर दिया जाएगा। कितना माइनस होगा चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, नीचे में डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। और गाइस यहाँ पर आकर आप लोग खुद से देख सकते हो कि आपका जो रैंक है वो कितना माइनस होने वाला है, ठीक है। तो ऊपर में आप लोग को BR मोड देखने को मिल जाता है। मैंने पूरा स्कोर किया है 6
6400 कुछ, ठीक है। आप लोगों ने टोटली कितने सारे स्कोर किए वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और गाइस जितना भी आपका स्कोर रहेगा ना, आप लोग यहाँ पर देख लेना कि आपका जो न्यू रैंक पे कितना माइनस होने वाला है, ठीक है। मैंने अपना टोटली रैंक स्कोर किया 6400 कुछ, तो भाई मेरा जो स्कोर है वो 2530 पे आके गिरेगा, मतलब प्लैटिनम 4 पे मैं डायरेक्टली आकर गिर जाऊंगा न्यू रैंक जन के अंदर। उसके बाद अगर मैं चाहूं तो रैंक पुश कर सकता हूं। तो आप लोग भी ऐसे ही आकर कैलकुलेट कर लेना आपका रैंक जितना भी होगा, जितना भी आप लोगों ने स्कोर बनाया होगा ना, स्कोर के हिसाब से यहां पर आपका रैंक होने वाला है। जो भी आपका स्कोर होगा वो आपका स्कोर माइनस होने के बाद आप लोग उस रैंक पोजिशन के अंदर आकर गिरने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही आकर कैलकुलेट कर लेना, यहां पर आप लोग को सारे रैंक देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग कमेंट के अंदर भी बता सकते हो आपका रैंक फिलहाल कितना है। मेरा तो यार मास्टर है, जिसके अंदर मैंने 6444 स्कोर बना रखे है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट के अंदर बताना, एंड आई होप आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यही था आज के इस वीडियो के अंदर, मैंने आप लोग को सब कुछ रैंक सीजन के बारे में बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय।